सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वेनम के बारे में, जिसे लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस बात की खबर भी सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के इवेंट से आई है, क्योंकि वहां पर वेनम फिल्म का ट्रेलर दिखाया गया है। अब ये ट्रेलर ऑडियंस के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि अब तक इस फिल्म के सीजीआई को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है, इसलिए हमें थोड़ा और रुकना पड़ेगा इस फिल्म के ट्रेलर के लिए। लेकिन उस ट्रेलर में सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि हमें वेनम के चेस्ट पर वेनम का सिंबल नजर नहीं आया। जी हाँ, वही सिंबल जैसा हम स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वेनम के पास ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है। तो इसे देखने के बाद काफी सारे फैंस कंफ्यूज्ड हो गए थे कि वेनम बिना सिंबल के कैसा लगेगा, और ये बात पूछी भी गई थी कि सच में वेनम के चेस्ट पर स्पाइडर का सिंबल नहीं होगा। जिसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर रूबेन ने फैंस को काफी खुलकर बताया और बिल्कुल क्लियर तरीके से ये साफ कर दिया कि जी हाँ, वेनम के चेस्ट पर फिलहाल तो इस फिल्म में स्पाइडर का सिंबल नहीं होगा, और उसका उन्होंने रीजन भी काफी अच्छी तरीके से बताया है। रूबेन ने ये बताया कि फिलहाल तो वेनम का यूनिवर्स बिल्कुल अलग है, और अभी के लिए वेनम का स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए वेनम के चेस्ट पर स्पाइडरमैन का सिंबल डालना एक बड़ी बेवकूफी होगी। और फैंस वेनम को उसके ज्यादातर सिंबल से नहीं पहचानते हैं, वेनम की असली पहचान वेनम का लुक है। तो इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। वेल, तो अगर आपने यहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर रूबेन की बातों को ध्यान से सुना होगा, तो शायद उनका बोलने का मतलब ये है कि वो ये सिंबल शायद हमें फ्यूचर की फिल्मों में दिखाए, जहाँ पर स्पाइडरमैन भी एग्जिस्ट करता हो और स्पाइडरमैन को देखकर वेनम भी अपने आप को स्पाइडरमैन समझने लगे, इसलिए वो ये सिंबल अपने चेस्ट पर डालता है। और एक बात इस फिल्म के डायरेक्टर ने ये कही है कि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जहां पर हम एक सीन पर ये देखेंगे कि स्पाइडरमैन और वेनम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, वो भी बिना मास्क के एक दूसरे से बातें करते हुए। लेकिन फिर उन्होंने बताया कि मेरी फिल्म में तो टॉम हॉलैंड नहीं है। साथ ही साथ इस फिल्म के एक्टर टॉम हार्डी भी यही कह रहे हैं कि उनकी फिल्म में टॉम हॉलैंड नहीं है, और फिलहाल तो उनकी फिल्म का दूर दूर तक स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से लेना देना नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग ये काम फैंस को गुमराह करने के लिए कर रहे हो, ताकि यहाँ पर फैंस ये भूल जाए कि इस फिल्म में स्पाइडरमैन भी है, और लोग सिर्फ इसलिए इस फिल्म को देखने जाए कि उन्हें इस फिल्म में उनका चहिता विलेन अब हीरो बनता हुआ नजर आया है, और फिर सडनली हमें फिल्म में कहीं टॉम हॉलैंड का एक कैमियो देखने मिल जाए। क्योंकि इस बात की कंफर्मेशन काफी महीने पहले ही कर दी गई थी कि हमें शायद इस फिल्म में टॉम हॉलैंड भी नजर आने वाले हैं, यहाँ तक कि वो इस फिल्म की शूट पर भी गए हैं। और आप सबको पता है कि इस बात की कंफर्मेशन की थी जॉन स्कैटसनिप ने, जिनकी अभी डेथ हो चुकी है। उन्होंने ये बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी थी कि हमें इस फिल्म में टॉम हॉलैंड भी नजर आने वाला है, लेकिन स्पाइडरमैन के रोल में नहीं, एस पीटर पार्कर के। तो देखते हैं उनकी इस बात में कितना दम था। वेल, तो आपको क्या लगता है कि हमें इस फिल्म में स्पाइडरमैन नजर आएगा या नहीं, इस बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा कि इस फिल्म में वेनम के चेस्ट पर स्पाइडर सिंबल नहीं होगा, उस बारे में भी कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस फिल्म से रिलेटेड, आप वो चीज मुझसे मेरे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूछ सकते हो, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। टिल देन, बाय।